एक बार फिर हाजिर हूँ। जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया है कि फ्रिज का कंप्रेसर फटने से हुई 5 लोगों की मौत। दोस्तों आज मैं फिर एक और सच्ची और रियल घटना लेकर आ गया हूँ। लेकिन फ्रिज का कंप्रेसर क्यों फटता है, किस वजह से फटता है, इसी विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों में शेयर जरूर कर दें। दोस्तों बात यह लगभग 4 महीने पुरानी है। आज मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे ये कारण है कि आजकल एक चीज बहुत नॉर्मल सी देखने के लिए मिल रही है कि किचन के अंदर एक मॉड्यूलर फिटिंग का जमाना चल रहा है। हर कोई जो भी किचन बना रहा है वहां पे एक मॉड्यूलर फिटिंग हो रही है लकड़ी। लेकिन उस फिटिंग के अंदर बहुत बड़ी कमी करी जा रही है जो आगे चलकर एक मुसीबत का कारण बन सकती है। इसी विषय पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि फ्रिज रखने के लिए एक फिक्स ऐसे एकदम से फ्रिज को बिल्कुल फिक्स नाप के एकदम फिक्स जगह छोड़ देते हैं कि यहाँ पर आप फ्रिज रख लेना। दोस्तों फ्रिज डोर फ्रिज को ऑन करने के बाद जब आप हाथ लगा के देखोगे तो उसकी बॉडी बाहर से तपती होती है, एकदम इतनी तेज तपती होती है कि जैसे कि आग जल रही है। इस तरीके से आप उस पर हाथ रख भी नहीं पाओगे, इतना तेज गर्म होता है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा था कि आजकल की जो गैसें आ रही है वो ज्वलनशील गैसें हैं जो कि आग पकड़ लेती हैं। लेकिन मॉड्यूलर फिटिंग के अंदर हो क्या रहा है, मॉड्यूलर फिटिंग के अंदर बिल्कुल फिक्स एकदम फ्रिज को नाप के एक जगह छोड़ दी जाती है कि यहाँ पर आप फ्रिज ला के रख लेना। कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि पहले फ्रिज को नापा जाता है कि हमारे पास इतनी जगह है, इतनी जगह में फ्रिज आ जाएगा। अब जब फ्रिज आपका उसके अंदर सेट होगा तो उसके साइड में जो फ्रिज तप रहा है, जो फ्रिज की हीटिंग निकल रही है, तो वो तो बाहर को निकलेगी ही नहीं, वो पीछे से भी हीट होगा, साइड से भी हीट होगा, इधर से भी हीट होगा। और उसके अंदर चल रहा है कंप्रेसर जिसके अंदर ज्वलनशील गैस है, जब उसकी ओवर हीटिंग हो जाएगी और ऊपर से आपकी जो फिटिंग है वो लकड़ी की है और अरे कहना क्या चाहते हो, और लकड़ी आग कितनी जल्दी पकड़ती है ये बात आप अच्छे से समझ सकते हो। अब मेरे कुछ भाइयों को और कुछ टेक्नीशियन भाइयों को ये लग रहा होगा ये बिल्कुल एकदम बकवास है, बिल्कुल बेकार की बात है, इसलिए आप पहले ये वीडियो देखिए उसके बाद फैसला करना कि क्या है। पंजाब के जलंधर में बीती रात एक घर में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। घटना शहर के अवतार नगर के गली नंबर 12 की है। हालांकि हादसे की सूचना मिलते ही बचाव टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। जिन 5 लोगों की मौत हुई है उनके नाम है रुचि, दिया, इंद्रपाल, यशपाल घई और मंशा। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में आने से घर के मालिक की जान। दोस्तों अब फैसला करो कि मैंने जो बात कही है वो सही कही है या झूठ कही है। दोस्तों वैसे तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसा हो जाता है, लेकिन जो फ्रिज हम लोग आजकल किचन में रख रहे हैं, अब फ्रिज को एकदम नाप कर हम उसको अलमारी के अंदर फिट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये इस तरीके की फिटिंग है, इतनी ज्यादा खतरनाक है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। एक तो ये लकड़ी की फिटिंग है, ऊपर से इसमें अंदर जगह नहीं है कि हीटिंग बाहर निकल सके। दोस्तों आज मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां आप किचन के अंदर फ्रिज रखें उस फ्रिज के बैक साइड में और राइट साइड में और लेफ्ट साइड में तीनों साइडों में कम से कम 6 इंची और 8 इंची की जगह तो चाहिए ही चाहिए। ज्यादा अगर आपके पास स्पेस है तो 8 इंची और नहीं तो 6 इंची जगह जरूर चाहिए। मेरी बात विशेष तौर पर ध्यान कर लेना कि जो आप रेफ्रिजरेटर अपना डबल डोर हो, चाहे ट्रिपल डोर हो, चाहे सिंगल डोर हो, उस जब फ्रिज को आप किचन के अंदर सेट करोगे तब फ्रिज के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में और बैक साइड में तीनों साइडों में कम से कम 6 इंची की जगह हो, ताकि जब उसकी बॉडी तपे तो उसकी जो हीटिंग है वो बाहर निकल सके। और अगर आपके घर पे पहले से ऐसा हो रखा है, तो अगर आपने पहले से फ्रिज को फिट कर रखा है तो आपसे गुजारिश है कि उस फ्रिज को वहां से निकाल दें और वहां पे फ्रिज के बैक साइड में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कम से कम 6 इंची 8 इंची की जगह बना दें ताकि उसकी हीटिंग बाहर निकल सके। दोस्तों इस तरीके से रखा हुआ फ्रिज आपके साथ कभी भी कुछ भी हादसा कर सकता है। आप अपने घर पे जाके फ्रिज के साइड में हाथ लगा के देखना कि फ्रिज कितना तेज गर्म होता है, कितना तपता है, उसकी हीटिंग निकलना कितनी जरूरी है। अगर फ्रिज की हीटिंग नहीं निकली और या तो आपका कंप्रेसर खराब हो जाएगा, और कंप्रेसर खराब नहीं हुआ तो ये एक ब्लास्ट का कारण भी बन सकता है। इसलिए मेरे भाई फ्रिज के तीनों साइड कम से कम 6 इंची का गैप जरूर कर दें। अगर आपको मेरी बात सही और सच्ची लगी हो तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों में शेयर जरूर कर दें।